रिवर रेप केस की कहानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रेप के आरोपी महंत सीताराम दास का मददगार संजय त्रिपाठी भोपाल से अरेस्ट किया जा चुका है। वह अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके खिलाफ 29 अपराध दर्ज हैं। संजय अच्छी फैमिली से आता है। पिता कृषि विभाग में डायरेक्टर और माँ लेक्चरर रह चुकी है। 1998 से 2003 के बीच कांग्रेस सरकार के समय संजय त्रिपाठी की तूती बोलती थी। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की सत्ता में धमक थी। श्रीनिवास तिवारी उसके चचेरे नाना थे। ऐसे में संजय की रीवा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक थाप थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अपराध करने के बाद वह प्लेन से भाग जाता था। 80 के दशक में पहली बार संजय त्रिपाठी ने नागपुर के एक होटल में गोली कांड कर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी थी। बाद में गवाहों के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। यहीं से वह रीवा शहर में दादा भाई के नाम से मशहूर होने लगा। शहर के हर छोटी से लेकर बड़ी जमीन में दखल अंदाजी कर उसका कद बढ़ता गया। 6 जून 2003 में रीवा शहर के पटरा मोहल्ला स्थित रसराज ढाबे में एक लड़की के चक्कर में हत्या हुई थी। इसका 4 जिलों में नाम फैला पर्रा हत्याकांड। चर्चा है कि रीवा में हत्या की गूंज बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड और प्रयागराज तक सुनाई देती है। इस हत्याकांड में रीवा सतना सहित बाहर के आधा दर्जा आरोपी शामिल थे। संजय का नाम भी इससे जुड़ा हुआ था। 1988 में अपराध जगत में कदम रखने वाले रीवा के बाहुबली संजय पर साल 2017 तक 4 हत्या 5 हत्या के प्रयास समेत आर्म्स एक्ट आदि के 29 अपराध दर्ज हो चुके थे। 2003 के आखिर में प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी। इधर संजय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन बना लेता है। ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनेताओं तक उसकी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें, संजय को एक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। बीमारी के कारण आजीवन पेरोल चल रही थी। 29 अपराध होने के बाद भी वह लग्जरी लाइफ जी रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि वह पेरोल पर बाहर है। 2 साल पहले महंत सीताराम दास ने अपने ही साथी पुजारी को गोली मारकर हत्या कराई थी। इस मामले में वह 8 महीने जेल में रहा है। दावा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के पुजारी की उस समय हत्या हुई थी। यूपी पुलिस की जाँच में महंत सीताराम हत्या का मास्टरमाइंड निकला था। रीवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप महंत का सहयोग करने पर मामा संजय त्रिपाठी और भांजे अंशुल मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में जिस स्थान पर वह रुका हुआ था वो भी अब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दावा है कि राज्य सरकार भोपाल के उस स्थान की जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।